साल था 1999, भारत की एयर इंडिया फ्लाइट IC-814 को हाईजैक किया गया और हाईजैक करके उसे ले जाया गया कांदाहर, एक तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में, और उसके बदले हमें मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा जो आज की डेट में जैश-ए- मोहम्मद का करता फरता है। आज 25 साल बाद वही तालिबान भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, पर आखिर यह बदलाव हुआ कैसे? और ये जो भारत और अफगानिस्तान की फ्रेंडशिप बढ़ती हुई दिख रही है, इससे पाकिस्तान को क्यों चिंता हो रही है? हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी। आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर अफगानीज और इंडियंस के बीच में इतनी क्लोजनेस क्यों है और कैसे इस क्लोजनेस को यूज कर हम पाकिस्तान की नाक में दम कर रहे हैं और किस तरीके से अपने कश्मीर इशू से उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इंडिया अफगान रिलेशनशिप पे आए, हम कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के इतिहास समझने की कोशिश करते हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं उसके इतिहास का। अगर देखा जाए तो एंशियंट टाइम से ही हमारे कल्चरल रिलेशंस रहे हैं। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। महाभारत के समय से आप इसे जुड़ता हुआ देख सकते हैं। जो धृतराष्ट्र की वाइफ थी गांधारी, वो भी कहां से बिलोंग करती थी, जिसे आज की डेट में हम कांधार बोलते हैं, वहां से बिलोंग करती थी। उसके बाद अगर आप देखते हैं, जो गांधारा हमारा एक महाजनपद था, वो भी इवन ड्यूरिंग दी लास्ट 500 इयर्स ऑफ बिफोर क्राइस्ट एरा, तो वो भी आपको एक मेजर महाजनपद की तरह देखने को मिल रहा है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसमें आपको इंडो ग्रीक पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाता है, जहां आपको बुद्धा की मूर्ति जब देखने को मिलती है, गौतम बुद्ध की, तो उसमें थोड़ा सा ग्रीक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, आपको उनका एम्पायर अफगानिस्तान तक एक्सटेंड होता हुआ दिखता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो काफी पहले से चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर इस बात को मेडिवल टाइम्स में देखा जाए कि मेडिवल टाइम्स में क्या रिलेशनशिप थी, तो आपको देखने को मिल रहा है कि 800 से लेकर 1000 एडी वाला जो टाइम पीरियड है, वहां आपको अफगानिस्तान के अंदर हिंदू शाही डायनेस्टी फंक्शन करती हुई दिख जाती है, जिसके लास्ट जो अफगानिस्तान के लास्ट हिंदू रूलर थे वो भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिनका नाम था आनंदपाल शाही। अदर देन दैट, अगर मेडिवल पीरियड की और बात करें तो काफी इस्लामिक इन्वेजन्स आपको, जब इस्लामाइजेशन हो गया अफगानिस्तान का आफ्टर द राइज ऑफ इस्लाम इन द मिडिल ईस्ट, तो आपको काफी हद तक हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर पूरी तरीके से एलिमिनेट होता हुआ दिखेगा अफगानिस्तान से, और वहां आपको एक इस्लामिक कल्चर डोमिनेट करता हुआ दिखेगा, और उसी के बाद आपको वहां से इस्लामिक इन्वेजन्स भी होते हुए दिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महमूद ऑफ गजनी की, जो गजनवी से बिलोंग करते थे, जिनका नाम उन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम भी पड़ा, और उन उस सिटी का एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया है भारत के मंदिरों को लूटकर। सोमनाथ टेंपल का डिस्ट्रक्शन भी महमूद गजनी ने ही किया था। अदर देन दैट, मोहम्मद गोरी, जिन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया, और फाइनली 1192 के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान से उनकी लड़ाई हुई, तो फाइनली कहीं ना कहीं वो एक स्लेव डायनेस्टी एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे, जिसकी शुरुआत हमें 1206 से देखने को मिलती है, जब उनके ही मोहम्मद गोरी के ही स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक यहां गद्दी पर बैठ जाते हैं और स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। उसके बाद देखा जाएगा तो अगर आप मुगल पीरियड में आकर आते देखते हैं, तो औरंगजेब के मरने के बाद मुगल जो एम्परर है वो वीक पड़ रहा था। नासिर जंग आता है, दिल्ली को लूट कर जाता है। उसके बाद 1761 में आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दिख रही है बिटवीन मराठाज एंड अहमद शाह अब्दाली, जिसने ये डिसाइड किया कि मराठाज भारत पर रूल नहीं करेंगे और ब्रिटिशर्स के लिए रास्ता साफ हो गया। अगर इससे थोड़ा सा और 1800 में बात पहुंचते हैं, आगे पहुंचते हैं हम, तो हमें देखने को मिलता है महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आपको उनकी डायनेस्टी, उनका एम्पायर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान तक भी एक्सटेंड होता हुआ दिखता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंशियंट टाइम्स में, मेडिवल टाइम्स में आपको इंडिया का एक मेजर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है अफगानिस्तान के अंदर, तो हम एक दूसरे को नेचुरल पार्टनर्स की तरह देख सकते हैं। बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर मॉडर्न टाइम्स की बात की जाए, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे भारत पर, सोवियत का कंट्रोल था सेंट्रल एशिया के ऊपर। अगर आप अफगानिस्तान की लोकेशन देखोगे तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान आपको वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के ट्राइजंक्शन पर देखने को मिलता है। तो ट्रेड रूट्स के लिए, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने लिए एक बफर बनाने के लिए, जिससे सोवियत और ब्रिटिशर्स जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ टसल में ना आ जाएं, तो दोनों ही अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। इसलिए वहां शुरू होती हैं एंग्लो अफगान वॉर्स,
जिससे ब्रिटिशर्स उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें। और ये जो वॉर चल रही है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सोवियत, इसको नाम दिया जाता है द ग्रेट गेम। इन तीन एंग्लो अफगान वॉर्स के बाद, फर्स्ट हैपेंड इन 1840s, सेकंड इन लेट 1870s, एंड जो थर्ड हुई 1919 में, जिसके बाद अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। 1893 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट आ रहा है पिक्चर में, जो आज भी एक दिक्कत का इशू बना हुआ है, कंफ्लिक्ट का इशू बना हुआ है, उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। 1893 में एक लाइन बनाई गई जो अफगानिस्तान को उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया से अलग कर रही थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे ब्रिटिशर्स सबके साथ करके गए हैं, वैसे ही अफगानिस्तान के साथ करके गए हैं। जैसे उन्होंने पंजाब को डिवाइड किया कि आधी पंजाबी पॉपुलेशन उधर, आधी पंजाबी पॉपुलेशन इधर, आधी बंगाली पॉपुलेशन उधर, आधी बंगाली पॉपुलेशन इन ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे बांग्लादेश। सेम गोज विद नागालैंड, आधी नागालैंड नागास पॉपुलेशन इन इंडिया, आधी इन म्यांमार। तो सेम चीज उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर करी, आधी पश्तून पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ द पश्तून पॉपुलेशन इन अफगानिस्तान, और हाफ ऑफ पश्तून पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। और आज की डेट में भी ये पश्तूनियत का इशू बना हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। कैसे और भारत क्या रोल प्ले कर रहा है उसमें, उसे हम आगे देखेंगे। अगर देखा जाए तो अभी तक मैंने बोला एंग्लो अफगान वॉर्स हुई, 1893 में ड्यूरेंट लाइन बन चुकी है, 1919 में अफगानिस्तान इंडिपेंडेंस गेन कर चुका है। थोड़ी सी क्लैरिटी और लाने के लिए अफगानिस्तान के इशू पे, आपको यह समझना होगा कि अफगानिस्तान हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। शरिया लॉ पे चलता हुआ, वुमेन के पास राइट्स नहीं है, मॉडर्नाइजेशन का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन आज से अगर आप 100 साल पहले के अफगानिस्तान को देखोगे तो पिक्चर कुछ और थी। वो पिक्चर क्यों थी अलग, उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल मानते हैं या फिर क्रेडिट देते हैं शाह हबीबुल्ला खान को, जो 1901 में अफगानिस्तान के शाह बने और उन्होंने एक मॉडर्नाइजेशन साइकिल स्टार्ट करी। वो वेस्टर्न कल्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए उन्होंने वेस्टर्न वे ऑफ लाइफस्टाइल अफगानिस्तान में इनकलकेट करना शुरू किया। वुमेन को सिविल पॉलिटिकल और एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड की गई, देखने को मिल रहा है वुमेन पढ़ाई को भी प्रमोट किया गया, यूनिवर्सिटीज में भी जाने लगी वुमेन। यहां तक कि 1965 में अनाहिता रतबजाद तो पहली ऐसी वुमेन पॉलिटिशियन बनी जिन्हें कैबिनेट का हिस्सा भी बनाया गया, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक है अर्बन क्राउड जो मॉडर्नाइज होने से खुश है, एकदम वेस्टर्न कंट्री टाइप दिखता था अफगानिस्तान। लेकिन जो रूरल पॉपुलेशन थी, जो ऑर्थोडॉक्स पॉपुलेशन थी, वो इस मॉडर्नाइजेशन से खुश नहीं थी, वो इसको अन इस्लामिक कंसिडर करते थे। इवेंचुअली सोवियत, अब कोल्ड वॉर एरा में पहुंच चुके हैं हम, 1960s की बात कर रहे हैं, सोवियत का कंट्रोल सेंट्रल एशिया पर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। कोल्ड वॉर में आप आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन दोनों को ही करते हुए देखेंगे, यूएस एज वेल एज यूएसएसआर। तो उसी उम्मीद के साथ यूएसएसआर 1973 में बनता है कोल्ड वॉर का शिकार। कैसे बनता है कोल्ड वॉर का शिकार, सोवियत की मदद से। एक कम्युनिस्ट पार्टी थी अफगानिस्तान के अंदर जिसका नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जिसने वहां तख्ता पलट किया, मोनार्की को खत्म किया, दाऊद खान को हटाया और खुद पावर में आ गए। अब इस तख्ते पलट की वजह से, इस कू की वजह से अफगानिस्तान के अंदर आ जाती है इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान डिस्टेबिलाईज हो गया है। इस इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के बहाने से 1979 में सोवियत अफगानिस्तान में इन्वेड कर देता है। एक और बात समझनी होगी, 1962 से लेकर 1977 कोल्ड वॉर का एक पीसफुल पीरियड बोला जाता है, जिसे हम दितांते पीरियड बोलते हैं, जिस टाइम पे बहुत सारी पीस ट्रीटीज, पीटीबीटी, सॉल्ट ट्रीटी, स्टार्ट ट्रीटी, आपको बहुत सारी ट्रीटी होती हुई दिखती है बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। 1977 में सरकार आ चुकी है रोनाल्ड रीगन की, प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएस के रोनाल्ड रीगन, उन्होंने खत्म करा देतांते पीरियड, शुरू किया स्टार वॉर्स इनिशिएटिव। और जैसे ही उन्होंने देखा कि अफगानिस्तान की तरफ सोवियत बढ़ रहा है और अपना इन्फ्लुएंस वहां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, अब अफगानिस्तान में शुरू होती है प्रॉक्सी वॉर, यूएसए भी एंटर करता है। यूएसए अफगानिस्तान के लोगों को धर्म का चूरन चटाता है, धर्म का चूरन चटाता है, उन्हें जिहादी फाइटर्स बनाता है, और वहां से शुरुआत होती है तालिबान की। वहां से आपको शुरुआत होती हुई दिखती है तालिबान की, जिसे आज आप प्रेजेंट डे तालिबान बोलते हैं, जिस टाइम पे उसे वहां मुजाहिदीन बोला जाता था। क्या क्या प्रोवाइड किया गया, पाकिस्तान की मदद ली गई, पाकिस्तान टेरिटरी को यूज किया गया उन्हें ट्रेन करने के लिए, जिससे वो सोवियत के अगेंस्ट लड़ सकें, उन्हें आर्म्स प्रोवाइड किए गए, सोवियत के एयर कैपेबिलिटी को खत्म करने के लिए उन्हें स्टिंजर मिसाइल्स प्रोवाइड की गई। फाइनली इन सब के होते होते 1989-1988 जब सोवियत की खुद की भी हालत खराब थी, वो सोवियत वहां से अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेता है। अब पिक्चर में आती है तालिबान पिछले 10 साल से लड़ रहा है सोवियत के अगेंस्ट, भाइयों को उम्मीद थी कि सरकार किसकी बनेगी,
तालिबानीज की बनेगी, उन मुजाहिद दोनों की बनेगी, लेकिन यूएस सपोर्ट कर देता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। और 1991 के अंदर आपको अफगानिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती हुई दिखती है, तालिबान के सेंटीमेंट्स हो जाते हैं हर्ट। 1991 से 1996 तक, 1991 से 1996 तक आपको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन करती हुई दिखती है, लेकिन उसके बाद वहां होता है एक तख्ता पलट। पिक्चर में कौन आ जाता है? पिक्चर में आता है तालिबान। और अब 1996 से 2001 तक, जब तक यूएस वापस इन्वेजन नहीं करेगा, आपको अफगानिस्तान कंट्रोल करता हुआ कौन दिखेगा? तालिबान कंट्रोल करता हुआ दिखेगा। और उसी पीरियड के बीच में आपको वो 1999 वाला इवेंट भी होता हुआ दिखता है, जब IC-814 फ्लाइट को कांदाहर ले जाया गया था और मसूद अजहर को छुड़ाया गया था अलोंग विद अदर थ्री टेररिस्ट। इस बीच में 2000 के अंदर एक गलती होती है अलकायदा से। अलकायदा एक तालिबान का ही ग्रुप है, अफगान मुजाहिदीन का ही ग्रुप है, जिसकी फॉर्मेशन 1987 में हुई थी। बस डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अलकायदा एक ऐसी ग्रुपिंग है जिसे समझ में आ गया था कि वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए वो तालिबान के लोगों को या अफगानिस्तान के लोगों को एज अ टूल यूज कर रही है अपनी फाइट में, तो उनकी दुश्मनी अब किससे हो चुकी है? वेस्ट से हो चुकी है। तो उन्होंने अलकायदा ने टारगेट किसको करना शुरू कर दिया? वेस्टर्न यूरोप को, यूएस को। एक और हमला होता है जिसे हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक माना जाता है यूएस के अंदर, 9/11, 11 सितंबर को आपको WTC पर अटैक होता हुआ दिखता है। ये एक मौका प्रोवाइड करता है अमेरिका को अफगानिस्तान को फिर से इन्वेड करने का। 2001 में अफगानिस्तान को फिर से इन्वेड किया जाता है, तालिबान की सरकार को खत्म किया जाता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिठाई जाती है जिसकी लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है हामिद करजाई को, जो 2001 के बाद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हुए दिखते हैं। और 2001 से लेकर 2020 तक दो तीन चीजें डिस्कस करनी चाहिए हमें। पहला, कैसे भारत का रिलेशन बेटर होता हुआ दिखता है जब वहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है। और दूसरा, ये जो तालिबान को हटाने के लिए यूएस ने इन्वेड किया, लेकिन जब 2020 में वो गया तो वापस तालिबान को बिठा के गया। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं, पहले हम बोलते थे कि अफगानिस्तान इज सोवियत वियतनाम, लेकिन आज की रेट में हम सर्टेनली बोल सकते हैं कि जी अफगानिस्तान इज यूएस सेकंड वियतनाम। वहां भी 20 साल फाइट करके हार के आया, अफगानिस्तान में भी 20 साल तक पैसे फूके, आर्म्स फूके, लोगों की जान गई, नेटो फोर्सेस गई, लेकिन किसी भी तरीके का कोई आउटकम आप नहीं निकाल पाए। तो इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर फ्रॉम द एंड ऑफ यूएस। इस बीच में जब ये पीरियड चल रहा है 2000 से 2020 का, इससे पहले मैं इंडियन पर्सपेक्टिव पे पहुंचूं, कुछ चीज समझाने की कोशिश करता हूं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन कुछ रीजन्स अफगानिस्तान के अब भी तालिबान कंट्रोल्ड हैं। 2014 में बराक ओबामा डिक्लेयर करते हैं कि भाई नेटो फोर्सेज अब यहां से क्या कर जाएंगी, विड्रॉ कर जाएंगी, नेटो फोर्सेज की अफगानिस्तान में अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यूएस फोर्सेज अभी भी वहां स्टेशन रहेंगी। और शुरू होती है यूएस तालिबान पीस डील। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, इंडिया ने कभी किसी भी टेररिज्म को गुड और बैड में डिवाइड नहीं किया है। इंडिया के लिए टेररिज्म इज टेररिज्म, और शायद यही वजह है कि तालिबान के आते ही हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए थे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया को पार्टी बनाया नहीं गया, मेजोरिटी ऑफ द पीस प्रोसेस में इंडिया वॉज नॉट द मेन पार्टी, लेकिन फिर भी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंसेज होती थी, अमृतसर में भी कंडक्ट कराई गई, सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान भी गई। हम बोल रहे हैं कि 9 साल बाद जयशंकर जी जा रहे हैं, इससे पहले जब सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान गई थी तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस नहीं गई थी कि किस तरीके से अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश किया जा सकता है। फाइनली 2020 में यूएस ट्रूप्स का कंप्लीट विड्रॉल होता हुआ दिखता है और तालिबान टेक ओवर कर लेता है अफगानिस्तान को दोबारा। वहां एक मेजर इमिग्रेंट क्राइसिस देखने को मिलता है, लोग वहां से भागते हुए दिखते हैं और शरिया लॉ अफगानिस्तान के अंदर इंपोज होता हुआ दिखता है। इससे पहले कि हम 2020 से आगे की बात करें, हम बात करते हैं अब कि इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप इन 20 साल के अंदर कैसे आपको डेवलप होती हुई दिखती है। कैसे डेवलप होती हुई दिखती है जी? भारत ने 1999 के इवेंट के बाद भी अफगानिस्तान को किसी भी तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश नहीं करी। क्यों नहीं करी? हमें पता है अफगानिस्तान की रेलेवेंस। दो चीज, दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और हम कौटिल्य की देश से बिलोंग करते हैं, कौटिल्य की कंट्री से बिलोंग करते हैं। उनका मंडल सिद्धांत भी लगाया जाए तो अगर जो डायरेक्ट नेबरहुड होता है वो होता है आपका अरी दुश्मन, और जो नेबर ऑफ द नेबर होता है जो हमारे लिए अफगानिस्तान है वो होता है आपका मित्र यानी कि फ्रेंड। तो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है उसके हिसाब से भी अफगानिस्तान आपको एक फ्रेंडशिप रोल में आता हुआ दिखता है। दूसरी चीज, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भी ये चीज जरूरी थी। वो जो तालिबान का इन्वॉल्वमेंट था ना कांधार हाईजैकिंग में, कहीं ना कहीं उसमें ISI भी इन्वॉल्व था, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी भी इन्वॉल्व थी।
और उस नेगोशिएशन को लीड कर रहे थे अजीत डोभाल जी। उन्होंने इस चीज को एज अ पर्सनल डिफीट लिया जब वो नेगोशिएट नहीं कर पाए और उन टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा, तो अजीत डोभाल जी के लिए एक पर्सनल डिफीट थी। तो उन्होंने कसम खाई कि इस पाकिस्तान को इसी तालिबान के हाथों से बर्बाद कराया जाएगा, जो आज की डेट में हो भी रहा है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं ये जो पिछले 20 साल निकले, 2001 से लेकर 2020 जब तक तालिबान का टेक ओवर नहीं हुआ था, तो भारत ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं, किस तरीके से पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को इंप्रूव किया है, ऐसा क्यों है कि आज की डेट में अफगानी लोग भारतीय लोगों को काफी हद तक सपोर्ट करते हैं। एक सर्वे कंडक्ट कराया गया अफगानिस्तान के अंदर, उसमें पूछा गया कि जी आप किसे अपना सबसे बेहतर मित्र मानते हैं, किसे अपना सबसे अच्छा फ्रेंड मानते हैं, तो लगभग 70% अफगानी जनता ने, 70% अफगानी पॉपुलेशन ने इस चीज को क्लेम किया कि उनका सबसे अच्छा फ्रेंड इज इंडिया, और मात्र 3% लोग बोल रहे हैं कि उनका सबसे अच्छा फ्रेंड पाकिस्तान है। तो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पीपल टू पीपल टाइज हमारे लिए काम आ रहे हैं, हमारे रिलेशन के लिए काम आ रहे हैं, इवन आफ्टर द टेकिंग ओवर बाय तालिबान। एक और चीज, जब ये सारी चीजें चल रही थी, यूएस तालिबान डील चल रही थी, सब लोग बोल रहे थे जी तालिबान रूल करेगा, कोई और रूल करेगा, ये रूल करेगा, वो रूल करेगा। इंडिया का स्टैंड क्लियर था, इंडिया वॉज मोर लाइक अफगान ओन्ड अफगान लेड, जो करना है अफगानी खुद कर लेंगे, किसी और कंट्री को वहां इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसी अफगानी की इच्छा होगी, जैसे वो रन करना चाहेंगे वो अपने हिसाब से रन करेंगे, उसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो वहां भी हमने एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच अपनाई जो अफगानियों को, अफगानिस्तान की पार्टीज को, इवन तालिबान को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया जिस चीज ने, और वो काफी हद तक हमारे फेवर में भी काम करती हुई दिखती है। एक बार हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा रिलेशनशिप बेटर होता है, क्या क्या काम किया हमने। 21st सेंचुरी 2000 से जो स्टार्ट हुई, इसने हमारे पार्टनरशिप को एक नए एरा में धकेल दिया। एक नई शुरुआत होती है इंडिया और अफगानिस्तान रिलेशनशिप की, हम एक बेटर पर्सपेक्टिव से मूव करना शुरू करते हैं, बहुत एंथुसियास्टिकली, बहुत अच्छे से एंगेज करना शुरू करते हैं। हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करा 2011 में, और अफगानिस्तान और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन जा रहे हैं 2011 में। इंडिया ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं अफगानिस्तान के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला है सलमा डैम, जिसे हम इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी बोलते हैं। ये लगभग 2,00,000 हेक्टेयर जमीन को पानी प्रोवाइड कराता है। और इसके बाद अफगानिस्तान पार्लियामेंट, 2015 में अफगानिस्तान पार्लियामेंट भी इनॉग्रेट की गई। शैतू डैम पे थोड़ा सा रोक लगाते हैं क्योंकि इसका पैसा तालिबान के टेकओवर के बाद गया है। कमिटमेंट हमने शैतू डैम का 2020 से पहले ही कर दिया था, लेकिन जो पैसा गया है इस शैतू डैम के लिए वो 2021 में गया है, जब तालिबान ऑलरेडी टेकओवर कर चुका था, जो ये दर्शाता है कि नो मैटर व्हाट द गवर्नमेंट इज, लोगों के हित में, अफगानी लोगों के हित में हम काम करना कंटिन्यूअसली चालू रखेंगे। जरंज देलाराम हाईवे, ये जरंज देलाराम हाईवे इज दिस इज जरंज, दिस इज देलाराम, तो हम कहीं ना कहीं ये देलाराम हाईवे हमें कनेक्ट कराएगा, सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। चाबहार पोर्ट से ईरान के थ्रू हम यूटिलाइज कर सकते हैं अफगानिस्तान को, जिसे पाकिस्तान को पूरी तरीके से बाईपास किया जा सके। तो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट जो है स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है और अफगानिस्तान के लोगों के लिए कनेक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट, काबुल के अंदर ट्रांसमिशन लाइन खोली है आपने, शहतूत डैम को हम बोलते हैं कि ये वाटर गिफ्ट है भारत का, किसको लिए, अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि इसके थ्रू लैक्स ऑफ अफगानिस्ट के पास, लाखों अफगानियों के पास सीधे पीने का पाइप्ड वाटर पहुंच पाएगा। जब ऐसे इनिशिएटिव्स आप लेते हो ना, जब आप ग्रास रूट चेंजेस करते हो और उन्हें पता है कि ये चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं, ये पानी किसकी वजह से मिल रहा है, भारत की वजह से मिल रहा है, जो एक सेंटिमेंट है ना, वो नेचुरली किसकी तरफ मूव कर जाता है, इंक्लाइन कर जाता है, इंडिया की तरफ मूव कर जाता है। इसको भी हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आगे देखते हैं। जब भी ह्यूमैनिटेरियन एड की बात आई, चाहे वह अर्थक्वेक आया, चाहे वहां किसी भी तरीके से पानी की कमी आई, किसी भी तरीके से खाने की कमी आई, मेडिसिन की कमी आई, तो भारत हमेशा आपको साथ खड़ा हुआ दिखा, चाहे वो एड के, ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पे हो, चाहे वो कोविड के टाइम पे मेडिसिन हो या उसके बाद भी, या फिर आप जब फूड की चिंता थी, वहां फूड की कमी हुई, फूड स्कार्सिटी हुई, तब भी आपको फूड प्रोवाइड कराता हुआ दिखता है। हमने एक कमिटमेंट ले रखा है, कभी अफगानिस्तान को भूखा और प्यासा नहीं मरने देंगे, और ये काफी हद तक हम आउटराइटली बोलते भी हैं। इवन अजीत डोभाल जी ने क्लियर स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि भारत अफगानिस्तान का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, और इन सब मेजर्स के थ्रू आप कहीं ना कहीं इन स्टेटमेंट्स को लेजिटिमाइज भी कर पा रहे हो, जस्टिफाई भी कर पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं,
ये सब जब इवेंट चल रहे हैं तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी सलमा डैम जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे हम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम बोलते हैं, और ये जो आपको देखने को मिल रही है दिस इज दी पार्लियामेंट गिफ्टेड बाय इंडिया टू अफगानिस्तान, जिसे लगभग 1,000 करोड़ की लागत से बनाया गया था। और कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है कि हमेशा इंडिया जो है वो पीपल लेड डेवलपमेंट की बात करता है। आगे बढ़ते हैं, ये जो आपको मैप देखने को मिल रहा है, अब आपको यह समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। यह है सेंट्रल एशिया रीजन, सेंट्रल एशिया रीजन से हमारी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी है नहीं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमने यहां चाबहार पोर्ट का कंट्रोल लिया है फ्रॉम ईरान, यहां से हमने एक रेलवे लाइन बनाई है जो किसको कनेक्ट करती है, जरंज को, जरंज से हम देलाराम जाते हैं, देलाराम से ऊपर हम सीधे किसको कनेक्ट करते हैं, तुर्कमेनिस्तान को। तो कंप्लीटली पाकिस्तान को बाईपास करके हम रिसोर्सेज सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं वाइल यूजिंग अफगानिस्तान, पहली चीज। दिस वाज द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट। और अगर आगे बढ़ा जाए बाकी चीजों के बारे में देखा जाए, इससे पहले भारत का फायदा देखें, हम देखते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कंफ्लिक्ट क्या चल रही है। देखो एक रीजन था जिसकी वजह से कभी भी हमने अफगानिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश नहीं करी। हमें पता था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा, और एक सेंट्रल थॉट प्रोसेस भी है, सेंट्रल आइडिया भी है दोनों कंट्रीज के बीच में, एक तरफ अफगानिस्तान एक तरफ हिंदुस्तान, कहां से आया पाकिस्तान। तो इवेंचुअली वो जो चीज देखने को मिल रही है आपको वो इस कंफ्लिक्ट में भी यूटिलाइज होती हुई दिखेगी। जब तालिबान का टेक ओवर हुआ 2020 में तो इंडिया का स्टैंड क्लियर था कि जी देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए तो आपको किसी भी तरीके से अपनी जमीन को टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए नहीं यूज करने देना है। पाकिस्तान जैसी कंट्री को किसी भी तरीके से आपकी जमीन यूज में नहीं मिलनी चाहिए जिससे वो किसी और कंट्री के इंटरेस्ट को हर्ट कर सके। इसमें आपका भी फायदा है, इसमें हमारा भी फायदा है। जब आप कुछ ऐसा करेंगे तो दुनिया को दिखेगा कि आप एक रोग स्टेट के अगेंस्ट जा रहे हो। दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको, आपको पाकिस्तान में फंक्शनिंग टेररिस्ट ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, ये सब क्या है, ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। अब कहानी देखिए कैसे बदली। 2020 में जब तालिबान का टेक ओवर हुआ, तालिबान में जश्न नहीं मना, तालिबान के लोग तो भाग रहे थे बाहर, जश्न मना पाकिस्तान में। क्यों मना, क्यों? क्योंकि उस टाइम में तालिबान के अंदर एक ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं हक्कानी नेटवर्क, और हक्कानी नेटवर्क को माना जाता है आईएसआई के साथ काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है उसके। तो हमें ऐसा लगा कि इवन आफ्टर 20 इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यार हमारे हाथ से तो अफगानिस्तान गया, क्योंकि अब आईएसआई कंट्रोल अफगानिस्तान चलने वाला है, तालिबान कौन कंट्रोल करेगा, आईएसआई कंट्रोल करेगा। लेकिन अच्छी बात क्या थी हमारे लिए, तालिबान को चाहिए ग्लोबल रिकॉग्निशन, वो एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसे एक रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जाए, और कहीं ना कहीं इसलिए वो भारत की भी इसमें मदद कर रहा है। अब मैंने आपसे ऑलरेडी बोला ड्यूरेंट लाइन पिक्चर में आई, ड्यूरेंट लाइन पिक्चर में आई, अफगानिस्तान ने उसे कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया ऑफिशियली। ये जो पूरा रीजन है इसमें आपको काफी हद तक कौन देखने को मिल रहा है, इसमें आपको पश्तून आइडेंटिटी देखने को मिल रही है। एक बार एक आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, he was asked to attack the पश्तून एरियाज, उन्होंने बोला मैं पश्तून हूं, पश्तो आइडेंटिटी जो है मेरी, पश्तून आइडेंटिटी ये पिछले 5,000 सालों से है, इसलिए आपको पश्तूनिज्म जो पश्तो लैंग्वेज है उसके अंदर भी संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। जो मुस्लिम आइडेंटिटी है वो पिछले 1500 सालों से है, और जो पाकिस्तानी आइडेंटिटी है ये पिछले 40 सालों से है। दिस इज हैपनिंग इन 1970s। तो आप खुद बताइए कि मैं पाकिस्तानी आइडेंटिटी के लिए क्या अपने पश्तून भाइयों को मार सकता हूं। इससे हमें क्या पता चलता है कि पश्तून आइडेंटिटी वाले लोग जो इस खैबर पख्तूनवा और नदन बलूचिस्तान में रहते हैं, इनका इंक्लिनेशन अभी भी अपनी पश्तूनिस्तान को लेके है रेदर देन पाकिस्तान। ये बात भारत को भी पता थी और इसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली, जो ड्यूरेन लाइन की कंफ्लिक्ट है, कंटिन्यूसली आपको क्या देखने को मिल रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान डायरेक्टली इस लाइन को लेके लड़ते हुए दिखते हैं। कई मीडिया हाउसेस का तो यह भी बोलना है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, जो खैबर पख्तूनवा है, उसका कंट्रोल ही खो चुका है किससे, पाकिस्तान से। और एक जो रीजन आपको ये फाटा रीजन देखने को मिल रहा है, इसे तो डेफिनेटली कौन कंट्रोल करता है, तालिबान कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम फाटा भी है। फाटा इज फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज जो कंप्लीटली तालिबान के हाथ में है। अब तालिबान अफगानिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, तालिबान का एक भाई है जो पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान ने
यूएस को काउंटर करने के लिए या फिर सोवियत को काउंटर करने के लिए, यूएस के टाइम पे ही बनाया, लास्ट 20 ईयर्स में काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इस विंग का नाम है तहरीके तालिबान। इसकी एलिजियंस है किसकी तरफ? तालिबान की तरफ। आज की डेट में जो आपको पाकिस्तान में अटैक होते हुए दिखते हैं, दीज आर कंडक्टेड बाई तहरीके तालिबान। तो काफी हद तक तालिबान ने, यूजिंग तहरीके तालिबान, जिसके पास लगभग 7,000 आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। हमारे लिए क्यों अच्छा है? हमारे लिए इससे अच्छा है कि अगर पाकिस्तान अपने नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे ज्यादा फोकस करेगा तो कश्मीर मुद्दे पे कम नाक डालेगा वहां और कम इंटरफेयर करने की कोशिश कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की दिक्कतें बढ़ रही हैं, हमारे लिए वो स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली काफी ज्यादा अच्छा भी है, और इसीलिए हम तालिबान के साथ एसोसिएट भी कर रहे हैं। तालिबानीज आज की डेट में इंडिया से क्लोज रिलेशनशिप रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए, इसलिए वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में काम भी करते हुए दिख जाते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, इंडिया आज भी लोगों की मदद कर रहा है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम आपको भारत में खेलती हुई मिल जाएगी, इंडिया अभी भी आपको एड प्रोवाइड करता हुआ दिख जाएगा। 2021 में हम अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे, ऑल्दो 2020 में हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए थे जब तालिबान ने टेक ओवर लिया था, लेकिन हमने अपना जो कमिटमेंट है लोगों को लेके वो खत्म नहीं किया। वहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं हम, यहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट ये तक कह चुकी है कि यार वुमेन एजुकेशन पे ध्यान दो, शरिया के चक्कर में वुमेन अपना पूरे के पूरा आधे वर्कफोर्स को साइडलाइन मत करो, वुमेन एजुकेशन पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि यार जो आप ये रूट निकाल रहे थे वाया ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इसे वापस कंटिन्यू करो, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो वापस रिलेशन आपको नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। खैबर पख्तूनख्वा एक कंफ्लिक्ट का रीजन बना हुआ है जैसे मैंने आपको बताया। माना जाता है कि रॉ पिक्चर में आ चुका है, हमारी जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो अननोन गनमैन और अनआइडेंटिफाइड गनमैन की बात चल रही है, हम नहीं कह रहे, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA बोल रही है कि ये जो जितने भी इंडियन वांटेड लिस्ट में टेररिस्ट हैं, इनकी ना अचानक मौत हो जा रही है पाकिस्तान के अंदर और कोई आगे गोली मार जाता है इन्हें, जिसे हम बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड गनमैन। CIA का मानना है कि ये रॉ का काम है, रॉ तहरीके तालिबान के साथ मिलकर तहरीके तालिबान के लोगों को हायर करती है और ऐसे वॉन्टेड टेररिस्ट को असैसिनेट करवाती है। हम नहीं बोल रहे, CIA बोल रहा है। देखो भारत इसमें कभी भी कुछ क्लेम नहीं करता है, हमारा इसमें कोई डायरेक्टली हाथ है नहीं। CIA को ऐसा लगता है तो शायद हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंटेलिजेंस एजेंसी भी पिक्चर में आती हुई दिख जाती हैं। याद है अजीत डोवाल की वो कसम कि जिस पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान ने भारत को नीचा दिखाया था 1999 में, आज उसी तालिबान के साथ मिलकर भारतीय एजेंसी पाकिस्तान की नाक में दम कर रही हैं और उसके बल्कनाइजेशन की स्टेज पे पहुंचा दिया है। आज की रेट में पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की हालत में पहुंच चुका है और एक मेजर इशू बना हुआ है उसके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में और बलूचिस्तान में, तो आपको पता ही है। पिछले एक महीने के अंदर आपको लास्ट वन मंथ में इतिहास का सबसे बड़ा अटैक देखने को मिला है बलूचिस्तान के अंदर भी। तो हम बोलते हैं ना कि इंडियन एजेंसीज एट वर्क, इंडियन इंटेलिजेंस एट वर्क, तो वो पिक्चर उसका आपको ग्रास रूट आउटकम भी आता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर देखा जाए इस रीजन को, अगर आप देखते हो, दिस इज खैबर पख्तूनख्वा, जिस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा रीजन कौन क्लेम कर रहा है? ये पूरा पश्तूनिस्तान है, साथ के साथ ये जो पूरा बलोचिस्तान रीजन देखने को मिल रहा है, कैटा वाला रीजन, ये भी पश्तून एरिया है। ऑल दिस किसके अंदर डाल दिया गया था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स बलोचिस्तान का हिस्सा बना दिया गया था, लेकिन ये पूरा रीजन आज की रेट में आपको पश्तूनिस्तान की तरह देखने को मिलता है और तालिबान इस पे कंट्रोल चाहता है। यहां पश्तूनों को के ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी किए जाते हैं, इस वजह से 2018 में यहां एक मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ जिसे हम बोलते हैं क्या, पश्तून तहफुज मूवमेंट, बेसिकली आसान भाषा में पश्तून प्रोटेक्शन मूवमेंट, जिसमें काफी हद तक आपको मास प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन फिर भी उसका जो रिएक्शन निकल रहा है पाकिस्तानी आर्मी का, वो काफी हद तक वायलेंट है, जो पाकिस्तान की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ा रहा है और इंडिया को अफगानिस्तान के साथ और ज्यादा क्लोज ले जाता हुआ दिखता है। एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान, बीच में फंस गया पाकिस्तान। अब इस तरीके से दोनों देश मिलकर कहीं ना कहीं हम अपने प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर सिग्निफिकेंस देखी जाए इंडिया की, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, किस तरीके से इंडिया अफगानिस्तान जरूरी है हमारे लिए, जैसे मैंने आपको समझाया, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान जो दिक्कतें क्रिएट करता है, एक रोग स्टेट है, प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश करता है, आज उसकी मेडिसिन का टेस्ट उसे ही दिया जा रहा है, उसकी दवाई उसी को पिलाई जा रही है जबरदस्ती कि भाई तू भी पी के देख, जब कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है तो कितनी दिक्कत होती है,
कितना डिस्टर्बेंस होता है, और जो तो पिछले हमारे स्पेशली आफ्टर 1990s वो जब ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की आइडियोलॉजी पे जो तो चलते हुए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है थ्रू व्हाट, थ्रू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आज तेरे यहां भी वही चीज होती हुई दिख रही है, हमारा हाथ नहीं है, तालिबान इज रेस्पॉन्सिबल। दूसरा, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के लिए, वेस्ट एशिया से कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि अगर आप मैप देखते हैं अगेन, अगर इस मैप को देखा जाए जो हम इंडिया वाले इसको मैप को देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पूरी तरीके से बाईपास करते हुए ईरान के थ्रू आप सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कंट्रोल रखना सेंट्रल एशिया में, अपनी प्रेजेंस बनाए रखना, हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी का पार्ट भी है वो, कहीं ना कहीं हम अपना प्रेजेंस बना पाएंगे तो एक रीजनल पावर की तरह अपने आप को पोर्ट्रे भी कर पाएंगे, अपने आप को एसर्ट भी कर पाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जो है अफगानिस्तान की वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो आयरन ओर हो, तो काफी हद तक आप नेचुरल रिसोर्सेज का भी फायदा उठा सकते हैं अफगानिस्तान से। चाइना को काउंटर करना, देखिए अगर इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे वर्क करते हैं कि अगर कोई जगह छूटी तो कोई ना कोई तो ऑक्यूपाई करेगा उसे। अफगानिस्तान में तालिबान को समझ के जी तालिबान है हम रिलेशंस नहीं रखेंगे, इस पर्सपेक्टिव से फंक्शन किया जाएगा, तो काफी हद तक आप ये उम्मीद मान के चलिए, ये मान के चलिए कि चाइना उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन इस रीजनल स्टेबिलिटी और अपनी रीजनल हेजेमनी क्रिएट करने के लिए, जो एक रीजनल पावर बनना चाहते हैं हम, रीजनल हेजेमनी बनना चाहते हैं, उसके लिए अफगानिस्तान में प्रेजेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और रीजनल जिसे हम बोल रहे हैं रीजनल पावर बैलेंसिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और एस्पेक्ट भी है इसमें, यूएस बिल्कुल नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर चाइना का प्रेजेंस कंटिन्यूसली बढ़ता रहे। हम उसे ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई हमारे थ्रू कन्वर्सेट कर विद तालिबान, थोड़ी बहुत जो तेरी बची कुची इमेज है जो तू बर्बाद करके गया है उसे वापस हम बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अब भी किस कौन से टूल को यूज करना चाहता है, अपने वही पुराने पाकिस्तान टूल को यूज करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है इंडिया को कंट्रोल करना आसान नहीं है, कंट्रोल नहीं होगा इंडिया उससे, लेकिन पाकिस्तान जैसा वॉर ब्रोकर उसे इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, पैसा फेंको तमाशा देखो, तो उसके लिए वो चीज आसान है। लेकिन हम फिर भी सजेस्ट करते हैं यूएसए को कि अगर अफगानिस्तान से रिलेशन बेटर करने हैं, अपना प्रेजेंस बनाना है, तो द वायबल रूट इज थ्रू इंडिया नॉट थ्रू पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, अपने रिलेशन से अपने रीजन के अंदर एक रीजनल हेजेमनी बनाने के लिए, पावर को रीबैलेंस करने के लिए अफगानिस्तान के साथ रिलेशन रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतना सारा पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होने के बाद अफगानिस्तान लोग ऑब्वियसली किसको ज्यादा बेहतर पार्टनर समझेंगे, भारत को समझेंगे। इसलिए आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ द अफगानिस्तान आपको इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं, भारतीय अफगानिस्तान की जीत को सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं। एक दूसरे के जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है बहुत अच्छे हैं, जितने भी लोग अफगानिस्तान जाते हैं उनसे पैसे नहीं लिए जाते, और मैं तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, ये इवन तालिबान भी इंडिया को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है इस रीजन में अगर स्टेबिलिटी के साथ रहना है, इकोनॉमिकली ग्रो करना है, एड चाहिए, मेडिसिन चाहिए, पैसा चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, वो भारत ही प्रोवाइड कर सकता है। और अफगानिस्तान और तालिबान इतना समझदार है तो चूज आउट फ्रॉम अ रोग स्टेट लाइक पाकिस्तान एंड अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। आई गेस इस सारी इंफॉर्मेशन से आप काफी हद तक अफगानिस्तान की हिस्ट्री और इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस को समझ गए होंगे। अब हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्राई करिएगा आप रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को गेन करने के बाद, विद द रीसेंट पॉलिटिकल चेंजेस इन अफगानिस्तान डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इंडिया फेसेस इन इट्स एंगेजमेंट विद द तालिबान रजीम। इसको आंसर करने की कोशिश करनी है आपको, इसके पॉजिटिव लिखने हैं, इसके नेगेटिव भी लिखने हैं, क्योंकि अभी भी हम तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से ही देखते हैं, तो चैलेंजेस तो हैं लेकिन स्कोप ऑफ एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, एंड दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड, हैव अ गुड डे।